शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से ये वही गाड़ी है, चलो एक बार खाना देख लेती हूँ, सब ठीक तो है ना? माता रानी का शुक्र है, सारा खाना ठीक है। सच में थैंक यू श्रद्धा। अबे वरना आज मेरा जेल जाना तो पक्का ही था। श्रद्धा मुझे माफ करना, वो क्लाइंट की धमकियों से मैं इतना डर गया था कि सब कुछ तुम पे निकल गया। सॉरी प्लीज। मोहित तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। हम दोनों बहनों के झगड़े के बीच में तुम फंस गए। अरे क्लाइंट को सपना नहीं आएगा खाना मिल गया, चलो। हाँ श्रद्धा मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, शुक्रिया, थैंक्स। मिल गई शांति? नहीं अभी, कीर्ति के जवाब के बिना मुझे शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली ना आपको? पूरे परिवार के सामने हमें थप्पड़ मार के कि फिर लौट आए, अब और क्या बाकी रहा है दीदू? हाँ बाकी रहा है, मेरा तुझसे ये जानना कि अपनी ही बहन के साथ तूने ऐसा क्यों किया। कीर्ति बता क्यों किया तूने? क्यों किया? क्योंकि हमें आपको सबक सिखाना था। क्या इज्जत है इस घर में हमारी? भले हम आपकी जेठानी हैं, पर आपसे छोटे और हमेशा छोटे ही रह गए। ना आप हमारी बात सुनती, ना ही इस घर का कोई सदस्य। बचपन से यही इज्जत आपने हमारी बना दी है दीदू। बचपन में तुझे याद कैसे हम एग्जाम के बाद ठंडी ठंडी बर्फ डाल के हिमो शिकंजी पिया करते थे? स्ट्रो डाल के भाई, आज भी तुझे पूरी बात याद नहीं रहती? भाई तू ही जानता है इन 6 सालों में कितना मन किया तुझे गले लगाने का। मन तो मेरा भी बहुत किया है। जब भी कोई अतरंगी या अजीब सी चीज दिखता था ना, तो तुझे बता के तेरे साथ उसका मजाक उड़ाने का। मैं उड़ाऊं क्या? उड़ा। कीर्ति के दिमाग में ना उसको पड़े थप्पड़ की गूंज ना घर से निकल के पूरे मोहल्ले में फैल गई है। अच्छे नहीं यार, अभी फिलहाल तो वो कमरे में अकेले बैठ के गुस्सा निकाल रही है, पर मुझे नहीं लगता कितना सब होने के बाद भी उसे अपनी हरकतों पे पछतावा है। बिल्कुल पछतावा नहीं है ना तुझे कीर्ति? तूने जो कुछ भी किया मेरा विश्वास तोड़ दिया तूने कीर्ति। मुझसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में तूने सानवी तक को नहीं छोड़ा। सानवी? दीदू हमने सानवी को कुछ नहीं किया। बस कर कीर्ति, तुझे भी पता है तूने क्या किया है। रात को भूत बन के पहले तूने उसे डराया, उसके बाद मास्क पहनकर उसके स्कूल तक पहुंच गई, और तो उसकी और मेरी जान को खतरे में डालने के लिए तूने धमकी भी दी ताकि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। अरे अरे कीर्ति, कीर्ति तू एक माँ है, और एक माँ होते हुए तू ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? और फिर भी जब मैं यहाँ से नहीं गई तो पहले तो तूने मेरा खाना खराब किया, उसके बाद किचन से गैस की पाइप निकाल के तूने मेरी जान तक को दांव पे लगाया। इतनी नफरत करने लगी है तू मुझसे कि बस दीदू, क्या बकवास किए जा रही हैं आप? माना माना हमने आपका खाना खराब किया ताकि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, पर हम अपनी बहन की जान नहीं ले सकते। देख कीर्ति झूठ मत बोल मुझसे। कीर्ति बस झूठ पे झूठ बोलती रहती,
और वही आदत उसने हमारी बेटी को भी डाल दी। काश काश मैंने कीर्ति को पाने का पागलपन नहीं किया होता तो आज वो मेरी जिंदगी को पागल नहीं बना रही होती। भाई पर एक बात अच्छी हुई कि तेरा पागलपन देख के उसने मुझे ना बोल दिया, भाई मैं बच गया। अभय बचाया तो तुझे जिंदगी ने, तेरी शादी श्रद्धा से करवा के। देख भाई पिछले 6 सालों में चाहे जो कुछ भी हो लेकिन अब श्रद्धा वापस आ गई, अब उसे जाने मत देना। देख अगर तू और मैं सब कुछ भुला के वापस पहले जैसे हो सकते हैं तो तू और श्रद्धा क्यों नहीं? भाई कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल, तू खुद को ही देख ले। कीर्ति के साथ एक छत के नीचे रहते हुए भी आज तो उसके साथ नहीं। भाई कई बार रिश्ते एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ पे प्यार सिर्फ एक मजबूरी बन के रह जाता है क्योंकि रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है। विश्वास करिए दीदू, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ जलन में आके हमने आपका काम खराब करने की कोशिश की पर अपनी सगी बहन की जान नहीं ले सकते। मेरी सगी बहन है कीर्ति, इसलिए तुझसे अकेले मैं पूछ रही हूँ, बता मुझे क्या सच है। दीदू वो अपनी कियारा की कसम खा रहे, हम ऐसा करने के सपने में भी नहीं सोच सकते। और दीदू आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, सोचिए जरा कि आपकी छोटी बहन ऐसा कर सकती है क्या। दीदू हमारी आज की नादानी के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहन की जान नहीं ले सकते। कीर्ति कीर्ति अगर ये सब तूने नहीं किया तो फिर ये सब कौन कर सकता है? तुझे पता है उस इंसान ने मुझे सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया और अब 48 घंटे होने वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जो भी है दीदू आपको किसी भी हालत में इस घर से निकालना चाहता है। आज की बेइज्जती हम कभी नहीं भूलेंगे दीदू, अब जो करना है हमें आपकी अच्छी बहन बनके करना है क्योंकि अच्छी बहनों पे कभी कोई शक ही नहीं करता। और पता भी तो लगाना है कि हमारी अच्छी दीदू को घर से निकालने के लिए इनकी जान तक लेने को कौन तैयार हो गया। कितने समय बाद आज पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है। हमें तो पता था कि श्रद्धा के आने के बाद ये दिन फिर से दिखेंगे और वैसे भी सुबह सुबह श्रद्धा के हाथों का नाश्ता करके ना दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। भैया हमने तो सुना कि कल की शाम भी बहुत ही बढ़िया रही। मोहित का फोन आया था और वो बता रहा था कि कल जो उस पे उंगलियां उठा रहे थे वो सारे के सारे उंगलियां चाट चाट कर श्रद्धा के हाथ के खाने का मजा उठा रहे थे। अब मेहनत का स्वाद तो ऐसा ही होता है ना ऋतु, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें मेहनत खराब करने में ज्यादा मजा आता है। जाने दीजिए ना ताई जी, जो हो गया वो हो गया, आप नाश्ता कीजिए ना। अब आगे क्या होगा, 48 घंटे पूरे हो गए हैं, वो औरत आखिर कौन है, पता नहीं क्या करने वाली है और बच्चे कहाँ रह गए? मैं बैठूंगी मम्मा के साथ। आ जाओ आप सभी नाश्ता कर लो। कोई बात नहीं मैं पापा के साथ बैठ जाती हूँ। अभय हमारे क्लाइंट ने बड़े से नाटक के लिए टिकट्स भेजी हैं पूरी परिवार के साथ। चलो अच्छा है, घर के नाटक से ऐसे भी सब थक गए हैं, बाहर जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। ये
बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। आप सब भी जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाइए, फिर हम सब एक साथ ही निकलेंगे। प्ले के बाद हम क्या खाएंगे? कुछ अच्छा सा खाएंगे। हाँ, आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम। अरे बस बस, अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा आप सब लोग भी बाहर आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। श्रद्धा, ये बच्चों के लिए कुछ बनाया है, रास्ते में भूख लग सकती है। माफ करना श्रद्धा, ये हम अभी ठीक कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। आप लोग भी एक काम कीजिए, आप लोग चलिए, मैं कपड़े बदल के टैक्सी से आ जाऊंगी। मैं भी मम्मा के साथ आऊंगी। श्रद्धा, आप पर समय से पहुंच जाना। चलिए हम सब चलते हैं। अब हमें कुछ नाटक वाटक देखने का मन नहीं कर रहा है, तो हम मंदिर जाते हैं, मन की शांति के लिए थोड़ा पूजा करके आते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। हमारी भी आज किट्टी है और बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें किट्टी में वापस लिया है, तो हम भी नहीं जाएंगे। चलिए हम सब चलते हैं। सानवी, सानवी इतना अंधेरा क्यों है कमरे में? सानवी, 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 कौन है वहां? बाप, पर्दे के पीछे कौन है? सानवी, सानवी बेटा, बेटा इधर आओ, बेटा, अरे बेटा आप ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ नहीं होगा आपको। क्या हुआ था मुझे बताओ, आप इस पर्दे के पीछे क्यों छुप रहे थे? क्या हुआ? मामा वो, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं है? पापा, वो हमसे गुस्सा है क्या, इसलिए नहीं आए? नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी फोन करता हूँ।
क्यों नहीं उठा रही? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जाओ यहां से वरना तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बेटी सानवी भुगतेगी। कहाँ है सानवी? सानवी कहाँ है? वही जहां उसे होना चाहिए था। तुम्हें तुम्हारा जवाब फोन उठाने पे ही मिलेगा। उठाओ फोन। हेलो पापा। श्रद्धा बेटा तुम कहाँ पर हो? सानवी यहाँ पर अकेले कैसे आई है? क्या सानवी आपके पास है? हाँ श्रद्धा बेटा। अकेले हमारे दरवाजे पर खड़ी मिली है। इतनी घबराई हुई है कि कुछ बोल ही नहीं पा रही है। पापा आप उसे अपने पास ही रखिए। मैं भी आती हूँ। हाँ बेटा। अभय का मिस्ड कॉल। हेलो अभय। श्रद्धा तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? उस सानवी को तुम कहाँ रह गए? आए क्यों नहीं अभी तक? अभय मुझे अभी पापा के पास जाना है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। श्रद्धा हेलो। सानवी बेटा आप बिल्कुल मत डरिए। आपके नानू है ना आपके साथ। सानवी सानवी बेटा सानवी बिल्कुल मत घबराओ। हमारे घर आई क्यों जब वापस यहीं आना था? तो हाँ मम्मी आप अभी तक मंदिर में ही हैं। चलो हम भी वापस आ रहे घर। कहीं वो औरत मम्मी जी तो नहीं? फिर तो अभय मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो अभय मम्मी नानी के घर गई हुई है तो पापा से मिलने के लिए आ गई थी। सानवी चलो ना तुम्हारी डॉल से खेलते हैं। क्या हो गया? गुस्सा हो मुझसे? मैंने तो कल बस मजाक किया था। कैसा मजाक किया? वो पापा मैं और कियारती कल बस सानवी के साथ खेल रहे थे। पापा को ना सब पता है। कल आपने सानवी के प्लेट से सारे नूडल्स निकाल कर अपनी प्लेट से सारे वेजिटेबल्स उसमें डाल दिया ना। सानवी ने आपसे मेरी कंप्लेन की? नहीं बेटा पर पापा को सब खबर रहती है। पापा कुछ बोलते नहीं है पर पता सब रहता है। अब सिया आप सानवी को लेकर कमरे में जाकर खेलो ना। मैं भी बच्चों के लिए सैंडविच बना देता हूँ। अभय आपको इन सब के बारे में कैसे पता? एक्चुअली मैंने पहले किसी को बिना बताए सिया के रूम में सीसीटीवी लगवा दिया था। काम में व्यस्त रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिया पे ध्यान नहीं देते। और कल के हंगामे के बाद मुझे जानना था आखिर हुआ क्या था। मेरी नजर तुम पे भी रहती श्रद्धा। अभय मुझे अपना फोन दीजिए। क्यों मैं नहीं दूंगा? अभय मुझे अपना फोन दीजिए। अरे श्रद्धा मुझे कुछ देखना है। अरे दूसरों के फोन में ऐसे झांकते नहीं है श्रद्धा।
यहाँ कोई आया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसने कहा वो हमें मार देगा। ये कैसे हो गया? सोनिया, कोई है जो मेरे और सानवी के पीछे पड़ा हुआ है, वो हमें जान से मार देना चाहता है। ये क्या बोल रही हो श्रद्धा, तुम कौन करेगा ऐसा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि उसकी सच्चाई का खुलासा कैसे करना है। तो कैसे? उसने अपनी हर चाल आज तक बहुत सोच समझ कर चली है, लेकिन इस बार उसने अपनी एक निशानी सिया के कमरे में छोड़ दी, और जैसे ही अब घर वाले आ जाते हैं ना, मैं उस इंसान का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। श्रद्धा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब लोग आते ही होंगे। सानवी बेटा, खोल के देखिए इसमें क्या है। सानवी की माँ। मम्मा, ये तो मम्मा नहीं है, इस पे तो मम्मा का नाम लिखा था। ये आंटी कौन है और इनकी गोदी में मैं क्या कर रही हूँ? दादी से पूछू क्या? दादी से नहीं सानवी, हम तुम्हें बताएंगे कि आंटी कौन है, और बिल्कुल अपने तरीके से बताएंगे जैसा हम चाहते, और बिल्कुल भी वैसा नहीं बताएंगे जैसा हमारी अच्छी दीदू नहीं चाहती। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।